हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सारा सरिता रिचुअल, लेकिन उससे पहले इस सारा और इस सरिता से आप मिल लो। कहाँ थे भाई इतने दिन, तुम क्यों नहीं आए मेरे वीडियो? सरिता शर्मा रही थी, सरिता अपने कमरे में बैठकर शर्मा रही थी। तू नहीं आया 3 महीने 5 महीने, मेरा फिर भी चलता है अंकुर कश्यप व्लॉग में। हाँ बट इट्स फाइन, तीसरा कंसेक्यूटिव वीक है मेरा, ये तीसरा हफ्ता है जब मैं वीडियो रेगुलरली डाल रहा हूँ, तो थोड़ी सी तालियां तो बजनी चाहिए गाइस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी जाके इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, लाइक से भर दो इस वाली वीडियो को। तो हॉरर चैलेंजेस आर बैक, फाइनली 3M चैलेंजेस बैक हो चुकी हैं मेरे चैनल पे, और आप लोगों को पता है कि मुझे करना कितना पसंद है 3M चैलेंज, आप लोगों को देखना कितना पसंद है। तो आज हम एक ऐसा ही एक हॉन्टेड चैलेंज करने वाले हैं जिसका नाम है सारा सरिता गेम। एल हुएगो दे सारा सरिता, एल हुएगो दे सारा सरिता, ऐसे कहते हैं वो मेक्सिको में। इसके बारे में भी बात करते हैं इंट्रो के बाद। ओले गाइस, तो अब बात करते हैं सारा सरिता द हॉन्टेड रिचुअल के बारे में। तो इस गेम को ना एल हुएगो दे सारा सरिता भी कहते हैं, क्योंकि ये गेम मेक्सिको से आई है। मेक्सिको और मेक्सिको, या तो इस गेम के बारे में सबसे ज़्यादा जो स्कैरी बात है वो ये है कि सारा सरिता को ना, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सारा सरिता एक सिंगल एंटिटी है जो लूसिफर की डॉटर है, लूसिफर की बेटी है। और लूसिफर हम सबको पता है भाई, डेविल को कहते हैं, सेटन को लूसिफर कहते हैं, तो शैतान की बेटी को आज टेक्निकली उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बट पिछले एक सेंटेंस में 3 बार ले चुके हैं उनका नाम। हाँ, क्योंकि वी माइट जस्ट मीट हिम टुनाइट, चाहता हूँ कि मैं डेविल से मिलूँ आज रात को। दूसरी कहानी यह है कि सारा सरिता दो अलग अलग एंटिटीज हैं जो कि सिस्टर्स थीं। स्कूल के बाद उनके साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ, उसके बाद दे स्टार्टेड हॉन्टिंग पीपल। तो ये गेम इसी बारे में है कि हम सारा सरिता की जो स्पिरिट है ना, उसको समन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। इस गेम के लिए हमको चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोग, अंकुर और मैं। इसके लिए हमको चाहिए 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स सेम डिनोमिनेशन के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। लाइक 5 रुपए का, 10 रुपए का, वन नहीं चलेगा। अगर 2 5 रुपए के या 2 10 रुपए के, देन इट माइट वर्क। और उसके बाद इसके आते हैं आंसर्स। हम सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं सारा सरिता से। हाँ, सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चन, जस्ट लाइक चार्ली, जस्ट लाइक चार्ली। और काफी लोग उसको चार्ली से भी लिंक करते हैं ब्रो। तो इसमें क्या करना होता है कि मैं और अमित ना अपने अपने कॉइन्स उठा लेंगे। अगर दोनों कॉइन्स में अगर हेड्स आता है तो इसका मतलब सारा सरिता ने यस आंसर करा है। दोनों कॉइन्स में अगर टेल्स और टेल्स आता है तो इसका मतलब सारा सरिता ने नो बोला है। और अगर एक कॉइन में हेड्स आया और अगर एक कॉइन में टेल्स आया तो इसका मतलब कि सारा सरिता ने मे भी बोला है। हमें गेम में घुसने से पहले हमें सारा सरिता से परमिशन लेनी पड़ेगी कि कैन वी एंटर योर गेम। अगर उसने यस बोला हम तभी एंटर कर सकते हैं, अगर उसने नो बोला हम फिर भी खेल रहे हैं तो इट माइट अफेक्ट अस फॉर आवर होल एंटायर लाइफ। हैज इट एवर स्टॉप्ड यू? इट हैजंट स्टॉप्ड मी एवर दो। उसी पे चैनल बना हुआ है। सो अगर सारा सरिता मना भी कर दिया है, आई डोंट थिंक हमको रोकने वाला है। आई एम गोना बी, मैं प्रोसीड करूंगा, मैं पूछूंगा सारा सरिता से कि भाई मेरे को खेलना है एंड प्ले द गेम विद मी। एग्जिट करने से पहले भी हमें पूछना होता है उससे कि हम जा सकते हैं कि नहीं, कि हम एग्जिट कर सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स होप कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों स्पिरिट्स को एंग्री ना करें। तो अब स्टार्ट करते हैं ये रिचुअल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द डॉटर ऑफ द डेविल। ऑलराइट गाइस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सारा सरिता रिचुअल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस रिचुअल के लिए हमें चाहिए 2 कॉइन्स, और हम इसमें अपना थोड़ा एडिशनल टच दे रहे हैं क्योंकि इट्स अंकुर कश्यप व्लॉग्स। तो हम ना इसमें कैंडल्स भी जला रहे हैं अपने बहुत सारे रिचुअल्स की तरह, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कैंडल जलाने के बाद स्पिरिट्स वेलकम्ड फील करती हैं। तो मैं कैंडल भी जलाऊंगा अभी, और हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो इस गेम की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब बात करते हैं सारा सहिता से कैंडल जलाने के बाद। ओके, सो अब 2 सिक्के हमारे पास, फाइनली स्टार्ट करते हैं सारा और सरिता को बुलाना। तो अंकुर कैमरा मेरे को दो। लो भाई, स्विचिंग द जॉब्स। जब तूने बोला ना तो टेक्निकली दोनों को बोलना है ना। तो उस वाले मास्टर अगर लगाएगा। हाँ भाई, ये क्या हुआ? ऑन नहीं था इसका वो, लेकिन उसमें चल रहा है। उसमें आवाज आई होगी उसमें, होपफुली। तो गाइस, अगर उसमें आवाज आई है
मेरा अभी पता नहीं उसमें किचन में कुछ ना कुछ तो ऐसे सरका है, एकदम सरक गया कुछ अपने आप ही। हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे कि हमें कैसे प्रोसीड करना है चैलेंज के लिए, और पता नहीं अभी क्या हुआ है। चलो एनीवेज लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट गाइस, तो अब हम सारा सही तरह से पूछेंगे अपने कॉइन्स टॉस करके। मैंने आपको सारे के सारे रूल्स बता दिए हैं। मैं और अमित साथ में बोलेंगे सारा सही था मे वी एंटर योर गेम, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आता है, क्या हमें सारा सही था गेम में एंटर करने देना चाहती है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाओ। ओके, 1 2 3 पे, ठीक है? ओके, 1 2 3 सारा सरिता मे वी एंटर योर गेम। क्या क्या है भाई? एक है हमारे पास टेल्स, दोनों टेल्स। ओ भाई, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब नो है। सो वी शुड नॉट, मतलब देख यार, वेबसाइट पे मैंने देखा था कि अगर नो है तो बहुत ज्यादा रिस्की है, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन टर्न रियली बैड फॉर यू, बट हमें करना चाहिए। व्हाई शुड वी लिसन टू द वेबसाइट? या है ना, हां उनको थोड़ी पता वो क्या कह रहे हैं। तो करते हैं यार। ओके, लेट्स डू इट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। उसके बाद क्या आप डेविल की डॉटर हो? ठीक है ना, ऑलरेडी हमको मना कर चुकी है वो गेम के लिए, सो आई गेस अब कुछ भी पूछेंगे तो इट्स डजंट रियली मैटर। पूछते हैं। हाँ मतलब पता नहीं इफ शी इज एंग्री और क्या हुआ है ये कोइंसिडेंस, बट लेट्स जस्ट डू इट। आ जा। तो इसमें दोनों को साथ बोलना होगा कि नहीं? बारी बारी पूछते हैं, आई थिंक दिस शुड वर्क। तो फिर तू ये अलग कर, मेरे को कैमरा दे। ओके, ठीक है। अगर पूछना सारा सरिता, आर यू लूसिफर्स डॉटर? हाँ। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है। सारा सरिता, आर यू लूसिफर्स डॉटर? कहाँ गए ब्रो? हेड्स एंड हेड्स। रुक जा, देखना देख, कैमरा में फोकस करने दे, एक दिख नहीं रहा ब्रो। दो हेड्स। हाँ हेड्स है, ये दो हेड्स हैं। दो हेड्स, ये भी हेड्स है क्या? हाँ अब दिख रहा है, ये हेड्स ही है ना? हाँ हेड्स है। इसको ऐसे ये भी हेड्स है, कट टाइम फिर उठा लूंगा। ठीक है भाई, और ये भी हेड्स है। तो हमारे पास दो हेड्स हैं ब्रो। सो इसका मतलब है कि नहीं, लूसिफर की डॉटर है। हेड्स इज यस, हेड्स इज यस, नो। ओ हां, ओ सो सारा एंड सरिता इज वन एंटिटी, सो वी जस्ट क्रैक्ड इट। या तो मैंने इंट्रो के टाइम में एक तो भाई कोइंसिडेंटली ये बोला था कि मुझे डेविल से मिलना है, आई वांट टू मीट द डेविल और ये वो, और अभी यस आया है। सो दिस इज अ वेरी बैड कोइंसिडेंस भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स होप इट्स नॉट दैट बैड। क्या पूछें इससे? कि सारा सरिता, डू यू वांट टू हार्म अस? आई थिंक सबसे पहले पूछते हैं, सबसे पहले कि क्या आप पता तो चले कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, कोई नहीं, रखो सामने। मैं पूछता हूँ, सारा सरिता, डू यू वांट टू हार्म अस? भाई मेरा तो हेड्स है, एक बार दिखा, तेरा टेल्स है, मेरा हेड्स है। सो मे बी, इट्स अ मे बी। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एग्जैक्टली, या सो शी इज नॉट वेरी वेलकमिंग, लूसिफर्स डॉटर। वो पहले ही क्वेश्चन में दिख गया था भाई, जब वो आया था। तो लूसिफर की बेटी है, इतना हमें पता है। लूसिफर की बेटी है, शैतान की बेटी। सो अब दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तू पूछ अब। तो भाई अमित क्या पूछेगा भाई अब? सो अब पूछते हैं कि सारा सरिता से डायरेक्टली कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे 2-3 क्वेश्चंस के बहुत वियर्ड जवाब दे चुकी है, एंड आई एम फीलिंग अ बिट स्केप्टिकल। तो अच्छा, ओके, सारा सरिता, शुड वी कंटिन्यू? ओके, फ्लैश चला पहले। So, heads, देखा, this is heads, and tails, देखा, ठीक है, maybe, मतलब ये चीज़ और ज़्यादा अजीब है कि उसने yes no कुछ जवाब नहीं दिया bro, उसने कहा है maybe, maybe you should continue, मतलब कुछ नहीं बताना चाहती है सारा तरीका में, she might or she might not harm us, क्या करना है, continue करना है, of course continue करना है, तीन question पूछने के बाद तो क्या लग रहा है कि हम नहीं करेंगे? यार नेक्स्ट क्वेश्चन अंकुर, आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। थर्ड वीक, थर्ड वीडियो, अंकुर कम ऑन, थिंक अबाउट इट।
मैं उससे पूछता हूँ सारा सरिता विल यू हॉन्ट माई हाउस ओके फिर देखते हैं क्या जवाब आता है ब्रो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट हर टू नोबडी वॉन्ट्स दैट ट्रस्ट मी आजा कॉइंस रेडी ओके सारा सरिता विल यू हॉन्ट माई हाउस फ्लैश चला हेड्स और टेल्स भाई ये क्या जवाब आ रहे हैं उल्टे सीधे भाई सिर्फ मे बी ये उल्टे सीधे क्या जवाब आ रहे हैं सारा सरिता बहुत अनश्योर है अपनी चीजों को लेकर पहले क्वेश्चन में सारा सरिता ने बोला था कि डोंट कंटिन्यू विद दिस सो आई थिंक शी इज नॉट हैप्पी विद अस और वो जवाब नहीं देना चाहती है इट्स ऑल मे बी पता नहीं मे बी दिस इज वेरी वियर्ड मतलब Maybe का क्या मतलब समझू भाई कि मेरा घर हॉन्ट करेगी कि नहीं भाई मेरा घर हॉन्ट शी इज लेफ्ट मी हैंगिंग शी माइट हॉन्ट योर हाउस आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस क्या पता वो आए क्या पता वो बैठी है उस वाले कैमरे के क्या पता वो मेरे पीछे बैठी है भाई यू नो ना ये वाला एरिया ना सारा डार्क दिख रहा है तेरे पीछे तो कुछ नहीं पता कि पीछे कोई है कि नहीं सब अंधेरा है हेलो सारा सारा सरिता कैन यू शो अस योर प्रेजेंस यस और नो खुद ही ये बात सोच भाई कि उसने नो जवाब दिया है हमें प्रेजेंस नहीं दिखा सकती बट शी इज शोइंग हर प्रेजेंस व्हाइल आंसरिंग इट सो मे बी वी प्लेड विद अ माइंड I think वो खेल रही है हमारे ब्रेन से। I don't think हम capable हैं सारा सरिता के भाई क्योंकि एक जवाब सीधा नहीं आ रहा bro, एक जवाब सीधा नहीं आ रहा। हमने पूछा can we enter your game? उसने no कर दिया। हमने पूछा can you show us your presence? उसने no कर दिया। Will you haunt my house? उसने maybe कर दिया। Do you want to hurt us? Maybe। Yeah bro, दिमाग के साथ मैं सब हो रहा है। सारा सरिता is turning out to be sorry सरिता। मैं पूछता हूँ इससे कि सारा सरिता क्या तुमने पहले भी लोगों को हॉन्ट करा ठीक है तो करते हैं सारा सरिता हैव यू हॉन्टेड पीपल बिफोर अस क्या आया एक हेड्स है एक टेल्स है ब्रो सो शी माइट हैव आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी लोगों ने ट्राई किया होगा तो हमें पता चल सकता है कि वो हार्म करती है लोगों को या नहीं पहले उसने किसी काम किया नहीं वी शुड आस्क देम यू शुड आस्क देम यू शुड आस्क देम गाइस अगर आपने कभी सारा सरिता ट्राई करा है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके साथ क्या जवाब आए हैं मेरे को प्लीज बताना भाई क्योंकि मुझे तो बहुत आरे टेढ़े जवाब आ रहे हैं और स्टार्टिंग से शी इज नॉट बीन वेरी वेलकमिंग लाइक उसने स्टार्टिंग से मना किया था यू शुडंट प्ले दिस गेम स्टिल वी प्रोसीडेड एंड अभी अजीब अजीब जवाब आ रहे हैं सो आई थिंक वी शुड आस्क सम मोर क्वेश्चंस लेट्स सी मैं सारा सरिता से अब ये पूछता हूँ कि क्या उसको हेल से फ्री होना है क्योंकि सिंस शी इज डेविल्स डॉटर ऑब्वियसली लाइक हेल इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे एट राइट या ऑफ कोर्स मे बी उसको नहीं रहना चाहिए उसे बोलते हैं टू बी फ्री फ्रॉम हेल एंड मे बी वी कैन हेल्प हर इन सम वे आई डोंट नो मे बी आई डोंट नो मैन हेड्स एंड टेल्स मे बी सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ सैक्रिफाइसिंग माय लाइफ लाइक राइट मैंने ही तो भूतों को परेशान किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरी जिंदगी आजा ओके सारा सरिता डू यू वांट टू बी फ्रीड फ्रॉम हेल देखा भाई भाई इट्स फिर से वही आया भाई सारे मेबीज क्यों आ रहे हैं ये क्या हो रहा है देख अभी इतनी ना ये जो चीज मुझे अब वियर्ड लग रही है अपार्ट फ्रॉम दिस भाई कोइंसिडेंस है क्या क्या है ये कोइंसिडेंस नहीं है भाई कितने आंसर्स पे मेबी आएगा इनके हर क्वेश्चन पे मे भी आ रहा है अगर एक आधे पे यस और नो आता ना तो मैं थोड़ा ईज ऑफ माइंड में होता है कि चलो ठीक है सारा सरिता जवाब दे रही है और दे भी रही है तो कोइंसिडेंस है हर पे अगर मे भी आ रहा है तो कोइंसिडेंस नहीं होगा सारा सरिता डू यू लाइक दिस गेम फ्लैश हेड्स एंड टेल्स अगेन भाई देखा देखा दोबारा देखा फिफ्थ सिक्स्थ मे भी है ये हमारा क्या है ये इतने मेबीज क्यों एक यस या एक नो नो ओ वेट मैं बताऊं कोइंसिडेंस क्या नहीं है क्या नहीं है पहले क्वेश्चन पे सारा ने हमें नो कहा था कि मत करो शू आगे मत कंटिन्यू करो इस चैलेंज को और उसके बाद से हर आंसर का जवाब नहीं भी आया आई थिंक वियर्ड बात ये है हमने तो पहला क्वेश्चन पूछा था सारा सरिता से हाँ। कि हमको ये गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए हाँ।
उस पे उसका नो आया था, उसके बाद से हर आंसर मिल गया, हर आंसर मिल गया। आई डोंट थिंक उसके बाद एक भी नो या यस आया, यस तो नहीं आया। आर यू लूसिफर्स डॉटर? मेबी यू शुड आस्क समथिंग लाइक दैट। हमने पहले पूछा था कि तो उसने यस किया था, हां उसने यस इस बात पे किया था, याद कर। हां वो उसने हमारी थ्योरी कंफर्म, हां तो उसने लूसिफर डॉटर पे हां किया था, उसके बाद से शी इज लाइक मेबी मेबी and us starting maybe she didn't want to continue the game. Sara Sarita, can we be friends? Okay. अब क्या है? Tails. Tails. This is Tails. This is also Tails. Oh, भाई साहब. No. No. Does it mean no? उसने starting से हमें हर चीज का maybe जवाब दिया है भाई, but जब हमने उसे पूछा कि can we be friends? उसका स्ट्रेट अप नो आया है। सारा को सिर्फ, सारा सरिता को सिर्फ जहाँ पे नो चाहिए वो वहीं पे नो बोल रही है। आई थिंक दिस इज वेरी एक्यूरेट एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक। आई एम स्टार्टिंग टू बिलीव दिस इज वेरी एक्यूरेट क्योंकि आंसर्स बहुत स्पेसिफिक आ रहे हैं। एग्जैक्टली। डू यू वांट टू किल मी? मैं सीधा पूछता हूं। आर यू स्टूपिड? लेट्स डू इट। हां ब्रो, नो बाय, लेट्स डू इट मैन। अच्छा, हां सारा सरिता, डू यू वांट टू किल मी? लेट्स सी मैन। ओ ओ भाई साहब, नहीं पूछना चाहिए था। कैसा लग रहा है अब इसका आंसर जान के आपको? मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं गाइस, कैन यू सी दैट? दिख रहा है कैमरे में? आई थिंक या। ओह मैन, व्हाट द हेल ब्रो। और पूछ गाइस, आई थिंक वी शुड जस्ट एंड दिस गेम नाउ। मेरे को नहीं और खेलना भाई, ये मेरे टाइम में बहुत मैसअप हुई है चीज। आई थिंक वी शुड जस्ट एंड दिस गेम राइट नाउ। मैं सीधा बंद कर रहा हूँ, मैं उससे ये भी नहीं पूछूंगा कि छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। और डिसरिस्पेक्ट करना है सारा सरिता को? चैलेंज करना है इफ शी कैन और कैन नॉट किल यू? नहीं 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 भाई, एक बार पूछ लेते हैं उससे, गेम खत्म कर सकते हैं। कैमरा पकड़ ले, कॉइन ले। ओके एक और बार पूछते हैं, अगर सारा ने इसमें बोला कि यस यू कैन और तुम चले जाएंगे, अगर बोलती है कि नो तो तुम चले जाएंगे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, इट्स गेटिंग वियर्डर। Let's do it. Sara Sarita, can we leave this game now, please? मेरे यहाँ पर क्यों दे रहा है लैप में? क्या है? Yes. Yes. तेरे लैप में heads. यहाँ पर भी heads है. Heads. Bro, thank God. Thank God. What if Sara Sarita comes for you after this game? Oh man. कि बस ये चीज का मेरे को दुख रहेगा कि ऐसा जवाब आया है, बट आई डोंट नो मैन, इट जस्ट मेस्ड अप विद माय हेड। बट या, वी कैन लीव दिस गेम, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर नाउ, सो लेट्स जस्ट एंड दिस गेम राइट अवे। इट्स डन। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारा सरिता रिचुअल की पूरी कहानी। आपको कैसा लगा गाइस, मेरे को प्लीज नीचे कमेंट बताना। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक वीडियो शूट करूँ जिसमें मैं आप लोगों के हॉरर एक्सपीरियंसेस पढ़ूँ, तो अब भी जाके अपने हॉरर एक्सपीरियंसेस, अपने घोस्ट एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं हो सकता है अपने अगली किसी वीडियो में आप लोगों के घोस्ट एक्सपीरियंसेस पढ़ूँ, तो अब भी जाके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने घोस्ट एक्सपीरियंसेस बताओ। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं 3 AM रिचुअल्स करता रहूं, तो अभी जाके इस वाली वीडियो पे लाइक कर दो यार, लाइक करो अभी जाके अंकुर फैम, प्लीज गो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो, क्योंकि वी आर अ फैमिली ऑफ 1.65 मिलियन एंड वी नीड टू गो टू 2 मिलियन मैन, रोड टू 2 मिलियन, लेट्स जस्ट मेक इट हैपन। अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड या, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, आई लव यू, टेक केयर अंकुर फैम, बाय। और ये सब चीज़ें घर पर मत ट्राई करना, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर ही अच्छी लगती है, अंकुर भाई पे ये सब चीज़ें छोड़ दो। बाय, गुड नाइट, टेक केयर अंकुर फैम, bye bye bye।